हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आई होप आप सब ठीक होंगे, मजे में होंगे। तो फ्रेंड्स, आज पवन किचन एंड ब्लॉक्स में बनी है ये मटर की पूड़ियाँ, और इस पूड़ी को आप जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी बनने वाली है। बच्चों को ब्रेकफास्ट में आप कहीं पे जा रहे हो तो जरूर बना के एक बार ट्राई कर लीजिएगा, एकदम सॉफ्ट एकदम खस्ता बनने वाली है। तो ये मटर की पूड़ियाँ बहुत आसानी से बनने वाली है, और अभी ताजे ताजे खूब सारे मटर आ रहे, तो ये रेसिपी जरूर ट्राई कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो भी नए फ्रेंड्स हैं, और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अभी हम स्टार्ट करते हैं मटर की पूड़ी बनाना। तो मैंने यहाँ पे मटर को छील के रख लिया है, और एक बाउल भर के मैंने मटरों को छीला है, और यहाँ पे देख ली मैंने ये चार ग्रीन चिली ले ली है। तो इसको मिक्सी में अच्छे से फाइन पेस्ट बना लेंगे इसका। तो आप देख सकते हो दरदरा सा मैंने पीस लिया है, आप इसके साथ में अदरक लहसुन भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने स्किप किया है। तो यहाँ पे मैंने आटा लिया है, और आटे में मैं डालने वाली हूँ ये सारे जो मटरों को पीस के रखा था, वही इसमें मिला लेंगे अच्छे से, और साथ में ही हम सारे मसाले भी डाल लेते हैं। मैंने 1 चम्मच भर के रेड चिल्ली पाउडर लिया है, आधा स्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है, और स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, थोड़ा सा हम गरम मसाला भी डाल लेते हैं इसमें। तो यहाँ पे मैं डालने वाली हूँ ये काली मिर्ची, जो ब्लैक पेपर होता है उसको अच्छे से क्रश करके डाल लीजिएगा, और थोड़ा सा 1 स्पून भर के इसमें डालेंगे हम ये अजवाइन। तो यहाँ पे आटा लगा लेते हैं अच्छे सा, देखिए आप एकदम सॉफ्ट सा, आपको जो रोटी का आटा लगाते हैं वैसे ही आटा लगाना है, और थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर लगा देंगे। तो अभी बना लेते हैं हम पेड़े, तो हमारे जैसे बोलते हैं लोई, मतलब पेड़े बना लेते हैं। तो आपको अच्छे से हाथ पे तेल लगा के थोड़े से इसको फ्रेश करते हुए अच्छे से पेड़े बना लीजिएगा, थोड़ा सा हल्का सा मतलब दबाना पड़ेगा इसको, क्योंकि क्या होता है थोड़ा पूड़ी को अच्छे से बेलने के लिए थोड़ा सा इसमें प्रेस करके अच्छे से लोया को लगा लीजिए। तो यहाँ पे मेरी पूड़ियाँ बन के रेडी हो गई है, देखिए इसको मैंने बेल लिया है, और दो चार बना के रख ली क्योंकि तेल गर्म है, तो दो चार एक साथ में ही बना ली मैंने, और अभी एक एक करके हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो ये पूड़ी बनकर रेडी हो गई, तो मैं आपको दूसरी पूड़ी डाल के दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये पूड़ी ली है और एक एक करके डाल रही हूँ, तो आप देख लीजिए थोड़ा सा हल्का सा इसको झड़ने की सहायता से हल्का सा इसको मतलब दबाते रहेंगे, तो अच्छे से ये फूलेगी और एकदम क्रस्टी और एकदम सॉफ्ट पूड़ी बनने वाली है, मतलब एकदम सॉफ्ट भी है और खाने में थोड़ी में एकदम क्रस्टी सी लगेगी, मसालेदार पूड़ी बनेगी। तो यहाँ पे इसको मैंने दोनों साइड से अच्छे से पका लिया है, और अभी मैं निकाल के दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए दोनों साइड से ही दिखा देती हूँ, ये ऊपर से बनी है कितनी अच्छी, और ये नीचे से देखिए एकदम करारी सी। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी जरूर बताइए कमेंट करके।